हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के क्लास जो है वो घर से ही हो रहा है, बंदर ही जानता, मतलब यूक्रेनियन बिल्डिंग के वहाँ पे क्लास था तो वहाँ पे तो गया नहीं, सो अभी भी रूम में बैठा हूँ और क्लास में भी ऑनलाइन ही रहेगी आज के लिए। तो फाइनली मैम का मैसेज आ चुका है, उन्होंने तीन दो क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन लिख के मैम को दोबारा सेंड करना है, तो अभी बस वही लिखना है। और क्लास मैम ने बोल दिया कि आने की ज़रूरत नहीं है जिन जिनकी तबीयत ख़राब है, या फिर मैं भी नहीं आ रही हूँ तो आप लोग घर से बैठ के ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। ये रेडियोलॉजी का क्लास है, अब इस वाले मैम ने तो छोड़ दिया, अगला कल क्या होगा ये तो नहीं पता। और हमारे क्लास में भी एक कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी वजह से भी ये तो छूट मिला है। अब देखते हैं, लिख लेता हूँ फिर मैम को सेंड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो मैंने अपना अभी अभी जस्ट रिटर्न कंप्लीट कर लिया है, अपना जो टास्क था अब ये हो चुका है। बाहर देखा तो पता चला आज तो धूप निकली है, मगर धूप का कोई असर हो नहीं रहा है वैसे तो, और पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है बाहर। फाइनली हम लोगों को लाइक ऑनलाइन क्लास हो चुका है 7th ऑफ फेबररी तक, क्योंकि हमारे ग्रुप में मैंने बताया था कि पहले ही एक पॉजिटिव है, एक दोस्त हमारा पॉजिटिव था, तो इसलिए 7th ऑफ फेबररी तक हमारा ऑनलाइन हो चुका है क्लास। और केसेस आज भी 1700 केसेस है, सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और इवानो जो है वो रेड जोन में आ चुका है, बाकी पूरे यूक्रेन ऑरेंज जोन में है, सिर्फ इवानो फ्रांकिप्स वो रेड जोन में है। अब इनको ये नहीं पता कि क्यों ये लोग अभी भी परमानेंटली ऑनलाइन नहीं कर रहे, जब हमारे पास 200 केस था तब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब यहाँ पे 2000 केस है तब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चल रही है। अब पता नहीं, आज बहुत सारे लाइक जो इंडियंस हैं वो क्लास नहीं गए, ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बहुत लोगों को, तो अब उसमें क्लास ज्वाइन करना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो अब डीन ने बुलाया है कि लाइक जो जो लोग क्लास नहीं आए थे उनके मॉनिटर को बुलाया कि तुम्हारे दोस्त लोग क्यों क्लास नहीं आए उनके बारे में बताओ। बहुत सारे लोग गए क्योंकि मेरे रूम में ही लाइक मैं भी हल्का हल्का गले में खराश से लग रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा दिन के लिए ऑनलाइन कर देना ही चाहिए। सुबह से वैसे कुछ खाया नहीं था तो सोचा कि बाहर जाता हूँ और बाहर से कुछ देखता हूँ, कोई बर्गर वगैरह या फिर कुछ भी पनीनी वगैरह मिलता है तो खा के आता हूँ। और अभी जा रहा हूँ, शायद फूड हाउस ही जाऊँगा, वहीं पर अच्छा खाना मिलता है। सो शाम को चाय पीने के बाद पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मैं गया था आज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, फिर एकदम से सडनली पता चलता है मेरे एक दोस्त का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी हो रही है, फिर अपना पढ़ाई जाए बाहर में, दोस्त पहले फिर पढ़ाई छोड़ के मैं गया दोस्त के पास, फिर दोस्त को थोड़ा बहुत संभाला, फिर हमसे भी संभाल नहीं जा रहा था, फिर पैरामेडिकल वाले स्टाफ को बुलाया, उन्होंने एग्जामिन किया और वो लोग अभी एम्बुलेंस आए थे और उसको लेके गए, बोला कि कोविड पॉजिटिव नहीं है बस खांसी नहीं रुक रही है, तो इसलिए आए थे एम्बुलेंस, वो लोग लेके गए और वहाँ पे जाके बोला कि दो चार एग्जामिन करेंगे करके फिर छोड़ देंगे। सो कल रात को मैं लेट आया दोस्त को लेके और उसके बाद आके जल्दी जल्दी सो गया था, मतलब 2:30 बज रहे थे तब मैं सोया क्योंकि हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल से लेके आया और वो ठीक हो गया। अच्छी बात यह है कि उसको कोरोना भी नहीं है, उसको जस्ट इन एक हो गया था एलर्जिक रिएक्शन, उसके वजह से उसको खांसी नहीं रुक रही थी, बाकी तो अभी तो वो ठीक है। और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सुबह। मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।